नमस्कार, मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली प्रवृत्ति है पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आई। उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से राजविज्ञान ने स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया। अब एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है। इसका इस अनुशासन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों या धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसके आचरण में बौद्धिकता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठता पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह सिद्धांतात्मक समस्याओं के तात्विक विवेचन में भी करता है और अति तथ्यवादिता से भी बचने का प्रयास करता है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी में ज्ञान के विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक रही है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया है जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विकास का विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार लिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे ये राजनीतिक समाज विज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक पर संस्कृतिकरण, राजनीतिक विकास और इसी प्रकार अन्य विषयों के अध्ययन से पता चलता है कि अब राजनीति विज्ञान सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का लागू करना हो गया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अनुशासन की स्वायत्तता यह विकास के प्रति जागरूकता। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र ही प्रदान करते हैं। इसी कारण स्टन, डहल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति
इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लगा दी है। चारों ओर राज सिद्धांत के निर्माण स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता या क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। अगली प्रवृत्ति है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के मध्यान में ऐसा लग रहा था कि राजविज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनीति विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबद्ध रखा है। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को ही देना चाहते हैं अपितु वे उसे लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के पास पहुंचना चाहते हैं। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। इस अनेक समस्याओं में से कुछ परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि से संबंध रखती है। धन्यवाद।